वालेकुम। इस टाइम दोनों टीमों के दरमियान ज़बरदस्त मैच जारी है। टीम ए से उमर पिच पर मौजूद हैं और शानदार बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाइस लोग काफ़ी मसरूफ नज़र आते हैं, कई छतों पर टैंकियां साफ कर रहे हैं, कई जगह पर ताश देखने को मिल रहे हैं और कई जगहों पर पतंगबाजी के मुजाहिरात नज़र आते हैं। जवाब जितने से पहले विक्ट्री का साइन हमें दिखा रहे हैं। रशीद भाई फील्डिंग पर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब चादरों पर मौजूद हैं। इस टाइम बॉल चली गई है सात और लंबी छत पर, बॉल का इंतजार करते हुए। सब अपनी अपनी पोजीशन संभालें। उमर पिच पर मौजूद, रशीद भाई फील्डिंग पर, शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए। और ये अब जवाद पिच पर मौजूद हैं, जवाद को बॉल ही नहीं नजर आ रही। छत पर मैच खेलने का स्वाद ही अलग है। और ये बॉल चौका नहीं हुआ। बकौल बैट्समैन चौधरी जवाद के चौका हो चुका है और ये एक और चौका। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जवाद साहब को एक मौका दिया जाए क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चार चांद लगा देंगे। और अब बैट्समैन चौधरी हमजा साहब आ चुके हैं जिनको बॉल ही नहीं नज़र आ रही। ये हमारे बैट्समैन का हाल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। और ये बॉल चली गई साथ। अब जवाद वापस आ चुके हैं पिच पर। और जवाद आउट हो चुके हैं जिस तरह से। ये मैच कौन जीता है? रशीद भाई की टीम ये मैच जीत चुकी है। इमरान खान साहब से गुजारिश है ऐसे बंदों को टीम में लें जो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और मैं हूँ आपका कैमरामैन, आपका कमेंटेटर।